मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स जी इंग्लिश स्कूल। सो दीज आर द इंट्रोडक्शन। ओके, टुडे क्लास नंबर फोर्थ, लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथ्स रिवीजन, टेस्ट बुक पेज नंबर 156 to 164। Topic is division. So today I will teach you division of large number. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे division of large number. ठीक है, सो मैं एक example लेता हूँ, जैसे कि 35 divide 7. ठीक है, सो एक example हो गया. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक है, डिवाइडेंड किसको बोलते हैं? फर्स्ट डिवाइडेंड ठीक है, डिवाइडेंड सेकेंड डिवाइजर थर्ड रिमाइंडर फोर्थ कोटेंट सो हम ये चारों आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो डिवाइडेंड मतलब क्या होता है? व्हेन वी डिवाइड टू नंबर्स, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एज डिवाइडेंड. मतलब व्हेन वी डिवाइड टू नंबर्स, द नंबर्स टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एज डिवाइडेंड. ओके, नाउ सेकेंड डिवाइजर. So divisor is the number by which we divide is called as divisor. ठीक है, divisor third quotient. The result of division is called as quotient. अब पढ़ेंगे remainder fourth one. Remainder means the number left over after the division. The number left over after the division is called as remainder. ठीक है, सो ये हो गए इसके डेफिनेशन. अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया. ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है. ठीक है, सो ये जो है 7, अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो 7. ठीक है, 7, तो ये 7 क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना डिवाइजर. क्या हो गया अपना 7? डिवाइजर. 7 क्या हो गया? डिवाइजर. ओके, सो नाउ जो भी यहां पे वैल्यू आएंगी, जैसे कि अभी यहां 35, सेवेंथ क्या हो गया अपना? डिवाइजर. और ये 35 क्या हो गया? डिवाइडेंड. क्या हो गया? डिवाइडेंट. ठीक है, ठीक है, 7 अपना डिवाइजर हो गया, 35 जो था वो हो गया डिवाइडेंट. ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 7 फाइव 35, 7 फाइव 35,
था, 5 - 5 0, 3 - 3 0, तो 5 हो गया अपना कोटेंट। आगे हो गया अपना कॉन्टेंट और ये हो गया अपना रिमाइंडर। अब ये हो गया अपना रिमाइंडर। सो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया डिवाइडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, रिमाइंडर क्या होता है और कॉन्टेंट क्या होता है। ठीक है, सो ये है। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय वन डिजिट डिवाइजर। ठीक है, सो वन डिजिट को कैसे डिवाइड करते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, सो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 5 5। ठीक है, 5 5 और 3 6, 3 6 बाय 8। ठीक है, सो ये डिवाइजर हो गया और डिवाइडेंड हो गया। सो यहां पे लिख देंगे 8 और 5 5 3 6। ठीक है, बराबर। अब देखो, अब इसको और ये दो नंबर, सो 8 के टेबल में 55 है क्या? नहीं, 8 6 48। मतलब अगर 8 के टेबल में 55 नहीं है तो उससे छोटी वाली संख्या लेने की, मतलब उससे छोटी वाली वैल्यू लेने की, जैसे कि 8 6 48। ठीक है, मतलब 55 से छोटी है, सो 6 48, सो 48 माइनस, मतलब 8 के टेबल में 55 नहीं है, सो उससे छोटी वाली वैल्यू लेने की, जैसे कि 8 6 48। ठीक है, अब इनको माइनस करो, सो ये हो गया 7 कैरी, 5 5 - 5 0। ठीक है, फिर बाद में ये हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर लेना है 3। ठीक है, ओके, सो 8 के टेबल में 73 तो नहीं है, बट 8 9 72, सो 8 9 72, ओके 72। सो ये हो गया 1, ये हो गया 0। फिर ये वाला नंबर लेना है आपको 16। सो 8 के टेबल में 16 है क्या? है, 8 1 8 8 2 16, 8 2 16, सो ये 0 0। ये अपना डिवाइडेंड, रिमाइंडर, डिवाइजर, कॉटेंट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8 मिनट, एक्सरसाइज 5.1। ओके, सो मैं उसका फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं ए। ठीक है, 7 7 5
डिवाइड फाई, ठीक है, सिंपल फाई इज अ डिवाइजर, 775 इज अ डिवाइडेंट, ठीक है. सो फर्स्ट को दो वर्ड को करना है. सो फाई के टेबल में तो है नहीं, सो वन इंटू फाइव, ठीक है, फाइव वन जा फाइव. सो सेवन में से फाइव के कितने बचने, कितने, टू. ओके, ये हो गया. ना ऊपर से सेवन लेना है, सो सेवन एज इट इज. ठीक है, ऊपर से सेवन लेना है, सेवन एज इट इज, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे प्लस है. सो अब देखो फाइव के टेबल में 27 है क्या. देखो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा फोर्टी, फाइव फाइव जा सॉरी फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव. सो फाइव जा मतलब 27 तो नहीं है, बट उसे छोटी वाली वैल्यू है 25. सो 25 माइनस 7 में से 5 गए 2 और ये 0, ठीक है, और ये 2 इधर, 5 इधर. सो 5, अब देखो अभी 5 का टेबल में 25 है क्या, 5 कितना था, 5 5 जा 25. सो 5 और ये 25, सो हमारा 0 0. सो ये 5 इज अ डिवाइजर, वन वन फाइव का टेंट, जीरो जीरो इज अ रिमाइंडर, सेवन सेवन फाइव इज अ डिवाइडेंट. ये फर्स्ट हो गया. नाउ क्वेश्चन बी, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड टू फाइंड द कंटेंट एंड रिमाइंडर. ये क्वेश्चन है फर्स्ट, ये फर्स्ट के है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ठीक है. नाउ क्वेश्चन बी, फर्स्ट का बी, 5 8 7 2 डिवाइड 4, ठीक है, सिंपल. सेम इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है. सो 5 क्या कितने से होने वाला है, ये 4, सो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 8 7 2, ठीक है, बराबर. अब देखो, ठीक है, सो 4 के टेबल में 58 तो नहीं है, मतलब 1 जा 4 इंटू 4 1 जा 4, ठीक है. सो 5 में से गया 5 में से 4 गए 1 और ऊपर के 8 एज इट इज. ओके, अब देखो 4 के टेबल में 18 है क्या, नहीं. सो 14 18 है क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा देखो है क्या 4 के टेबल में, नहीं है. 4 के टेबल में 18 है क्या, नहीं, बट 16 है. कितना, 4 4 जा 16, सो 4 4 जा 16 है, 18 नहीं बट 16 है, 4 4 जा 16, सो कैरी 4 ये 6, 16. सो 8 में से 6 गए 2 और ये 0. नाउ 7, ठीक है. अब देखो 4 के टेबल पे 27 है क्या, नहीं, बट 24 है. 4 6 जा
सो सिक्स जा 24, सेवन में से फोर गए थ्री, ये जीरो, ठीक है। सो ऊपर से कैरी टू, ठीक है। अब फोर के टेबल में 32 है क्या? यस। फोर एट जा 32, फोर एट जा 32, सो इज लास्ट आंसर। सो ये रिमाइंडर, ये अपना कोटेंट, ये डिवाइडर और ये डिवाइजर, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे लिख देना जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में जैसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। नाउ आई नंबर वाला एग्जांपल, ठीक है, जो कि सिक्स थ्री सिक्स एट जीरो थ्री डिवाइड, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करना है? सो सिंपल, टू इज डिवाइड डिविजर और ये थ्री सिक्स एट जीरो थ्री इज डिवाइडर, तो थ्री सिक्स एट जीरो थ्री, ठीक है, सिंपल। देखो टू के टेबल में 36 तो नहीं है, ये दो नंबर, सो वन जा टू, टू वन जा टू, ठीक है। ये थ्री में से टू गए वन, यहाँ से 16 लेना है, ठीक है, सिक्स लेना है। सो टू के टेबल में 16 है क्या? यस है। कितना? टू एट जा 16, टू एट जा 16, ठीक है। फिर एट लेना है यहाँ पे, देखो टू के टेबल में एट है क्या? यस। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, सो एट, टू फोर जा एट, ठीक है। ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ठीक है। नाउ फिर जीरो लेना है यहाँ से, टू इंटू जीरो जीरो, ठीक है, जीरो हो गया। फिर जीरो 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 माइनस, तो यह आएगा जीरो जीरो जीरो। फिर यहाँ से थ्री लेना है, थ्री थ्री वन, ठीक है। सो ये जाएगा थ्री है के टेबल में नहीं, सो वन, और ये आ जाएगा टू, सो ये जाएगा वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। सो हमारा फाइनल आंसर ये है, ये हो गया कोटेंट, ठीक है, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंट और ये रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सो हम लेंगे एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन का जे नंबर वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल इज 50427 डिवाइडेड 3, सो 3, ठीक है। सो 50427 कैसे सॉल्व करना है देखो, ठीक है। सो थ्री के टेबल में 50 तो नहीं है, मतलब थ्री वन जा थ्री, फाइव में से थ्री गए टू, बराबर, और ये ऊपर के जीरो, ठीक है। अब थ्री के टेबल में 20 है क्या? देखो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा 15 नहीं है, बट थ्री सिक्स जा 18 है, मतलब 20 से छोटी, पर 20 नहीं है, थ्री सिक्स जा 18, सो सिक्स जा 18, सो 18 तो है, ठीक है।
सो टू कैरी, टू माइनस टू ज़ीरो हो गया, फिर ऊपर से फोर लेना है। सो देखो टू के, थ्री के टेबल में 24 है क्या? यस, थ्री एट ज़ा 24, सो थ्री एट ज़ा 24, सो ये ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। सो ऊपर से लेना है, ऊपर से लेना है टू, ठीक है। सो टू, अभी देखो थ्री के टेबल में टू है क्या? नहीं, ज़ीरो, सो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये टू है सिटीज, ठीक है। सो ऊपर से लेना है सेवन, देखो थ्री के टेबल में 27 है क्या? यस, थ्री नाइन ज़ा 27, सो दिस इज फाइनल आंसर। सो ये हो गया हमारा डिवाइडेंट, इक्विटेंट, रिमाइंडर और ये डिवाइजर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे 5.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है डिवाइड डिवाइड एंड वेरीफाई एंड वेरीफाई योर आंसर, योर आंसर, डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर, ठीक है। सो मैं उसमें का फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में का फर्स्ट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1586 डिवाइड 3। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, 3 इज अ डिवाइडर डिवाइजर, 1586 इज अ डिवाइडेंड, वन फाइव एट सिक्स, ठीक है। सो देखो थ्री के टेबल में 15 है क्या? यस, थ्री फाइव सा 15, सो 15, फाइव में फाइव ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, थ्री फाइव सा 15 ज़ीरो हो गया, फिर ऊपर से एट,